चलो हाँ ये बात भी है, ये हाँ तो फिर है। हाँ मतलब हाँ तो कुछ बातें करेंगे आप, मतलब क्यों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों? ये है, ये ऐसे ही है, अब क्या करें। मतलब कैसे वैसे नफरत है लोग, मतलब? बहुत लोग हैं, मतलब ज़्यादातर लोग मेरे से नफरत ही करते हैं, लेकिन तो ऐसा क्यों? आई एम दिखने नॉट में तो आप अ, प्यार ब्यूटीफुल भी हैं, करते हैं ऐसी बट आई एम बात नॉट अ वेरी नहीं नाइस पर्सन। ओके, नो, वी लाइक इच अदर वेरी मच, वी ऑल, इनफैक्ट हमारा पूरा कास्ट जो है, एवरी वन रियली गॉट अलॉन्ग वेरी वेरी वेल, एंड आई थिंक कि उसी केमिस्ट्री से जो हमारे हमारे हम सब की केमिस्ट्री जो ह्यूमन बींग्स और एक्टर्स में जैसे है, वही आपको दिख रही है कैरेक्टर्स में जो आप एक्चुअली ट्रेलर में भी देख रहे हैं। आप बताइए, क्या बताऊँ, ट्रेलर तो ऑसम है, जी एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस? के मेनन एंड दो ब्यूटीफुल हैं यहाँ पर, जिनकी पता नहीं, वो तो हम दो वेब ब्यूटीफुल, सीरीज, जिनका मेरा क्या, जो दो ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे, अच्छा वेब सीरीज में मुझे पता नहीं कि क्या हम बहुत होगा। बदसूरत हैं उसमें। नहीं, मतलब वेब सीरीज में किस तरह का कैरेक्टर होगा वो तो मुझे नहीं पता, हाँ जी, लेकिन कैसा रहा एक्सपीरियंस आप दोनों के साथ एक्सपीरियंस का? बहुत अच्छा रहा, सबके साथ बहुत अच्छा रहा, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रही ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन ऑल्सो, हम लोग खेल भी खेलते थे मिड शॉट्स में, तो अच्छा रहा। वैसे खेल नहीं, हम डमशर्ज खेलते थे। हाँ हम भी कभी कभी खेल लेते हैं। अच्छा तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? के मेनन है एंड मेरे लिए तो वरुण है। मेरे लिए इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेन थिंग दैट आई लव्ड अबाउट सो मच वॉज एक्चुअली द कास्ट, क्योंकि जो एक्चुअली सबकी पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं, और जो कैरेक्टर्स भी हैं उनकी भी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन हमारी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं एज एक्टर्स इज़ द सेम। आई थिंक दिस वॉज द मोस्ट सिंसियर ग्रुप ऑफ एक्टर्स दैट आईव बीन अराउंड, वेयर यू नो वी वुड रियली सपोर्ट ईच अदर एंड वर्क टुगेदर, एंड दैट वॉज अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो इस तरह की फैमिली जो है हम हमारे इंडियन घर में हम देखते हैं कि देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, तो कितना रिलेट कर पाते हैं आप लोग इन सारी चीज़ों से जिस तरह की फैमिली हमें देखने को मिली है ऑल्ट वाला इस वेब सीरीज़ में, आप लोग कितना रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ? तो आई कम्प्लीटली रिलेट टू इट, लेकिन बात ये होती है कि मेरा एक्चुअली ये यकीन है कि फैमिलीज़ एक साथ रहती हैं क्योंकि वो एक दूसरे को झूठ बोलती रहती हैं, और कभी मतलब रिलेशनशिप रखने के लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी होता है, जरूरी होता है, एंड इधर क्या होता है कि सारे झूठ निकल आते हैं, करेक्ट। सो दैट्स वाई थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। तो हर एपिसोड में एक और मतलब सीक्रेट आती है, एक और मतलब जो भी झूठ इस फैमिली को एक साथ रख रही है वो निकलने आ जाता है, जैसे आपको दिख रहा है ट्रेलर में। सो इन दैट सेंस की रिलेटेबिलिटी तो है, क्योंकि सबकी सीक्रेट्स हैं अपनी फैमिली से, सो मेनी थिंग्स की जो अपने दोस्तों को बताओगे जो फैमिली से छुपाओगे, क्योंकि आई थिंक क्योंकि इन अ फैमिली पीपल सी ईच अदर एज एक्सटेंशंस ऑफ देम सेल्फ, सो अगर कोई कुछ अलग करे तो मतलब कि मैं अलग कर रही हूँ, सो आई थिंक दैट्स द मेन थिंग एज फैमिलीज, वी डोंट एक्सेप्ट आर डिफरेंसेज दैट इजिली, सो दैट वॉज द मेन रिलेटेबिलिटी फॉर मी फॉर द शो। एक तो खुलासा आपने किया कि ये फैमिली जो है झूठ बोलती है, एंड झूठ बोलना कंपलसरी, आप कोई खुलासा करना चाहेंगे इस फैमिली के बारे में? मैं झूठ वाले शब्द को थोड़ा बदलना चाहूंगी, वो झूठ नहीं कुछ राज खुल जाते हाँ, हैं, तो कोई राज खुली जरा इस फैमिली के बारे में, फिर आप शो थोड़ी देखेंगे, मतलब थोड़ा जितना हमने ट्रेलर देखा कुछ ट्रेलर एक झलक दिखाना चाहेंगे आप? जी जैसे इन्होंने बोल दिया कि झूठ बहुत बोलते हैं, एक्चुअली मेरा कैरेक्टर बहुत कम झूठ बोलता है इस फैमिली में। आप बताइए कि कोई ऐसा राज नहीं, वैसा को हम राज तो बताएंगे नहीं, पर देखने को कोई मतलब नहीं, बता हम चाहते हैं कि आप देखें, हाँ सभी चाहते देखेंगे, सस्पेंस बना रहे, इंतजार है, कोई ऐसा सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहेंगे आप? तो सस्पेंस तो है, हमने बता दिया ना कि राज बहुत है, झूठ बहुत है, तो हमारे प्रोड्यूसर्स हमको शायद फायर कर देंगे अगर हम सारे राज निकाल देंगे, तो फिर वी लाइक टू कीप आवर जॉब्स। ओके, एंड राइटर भी हैं आप? हाँ जी, मैं स्टोरी राइटर हूँ, स्टोरी राइटर भी हैं, तो कैसे आइडिया आया कि इस तरह की स्टोरी करते हैं, देन वेब सीरीज में इसे कन्वर्ट करते हैं? मेरा जो ऑलवेज इंटरेस्ट रहा है एनी स्टोरी में एज अ राइटर एक्टर व्यूअर हैज ऑलवेज, मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट हैज ऑलवेज बीन इन रिलेशनशिप्स between people, between families, between friends. So I always wanted to work in this, write something like this. कि क्योंकि ये जो मैंने आपको बोला था कि families अपने झूठ के साथ रहती है together, ये कुछ काफ़ी सालों से मैं ये चीज़ें सोच रही थी, एंड मेरी फैमिली में भी ऐसी चीज़ें हुई थी एंड ऑल, तो हमारी फैमिली हाँ सबकी फैमिली में होता है, और एक मोमेंट होता है सबका जब पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है, सब कुछ उड़ जाता है, फिर इट सेटल्स डाउन। एंड जो शो के प्रोड्यूसर हैं तनवीर, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड हम ऐसी बातें कर रहे थे, एंड ही सेड कि यार लेट्स राइट अ शो, लेट्स राइट अ शो अबाउट दिस। तो ऐसे हुआ था, पहले हम बस मिलते थे, मतलब बातें करते थे, उन बातों बातों में वी वर मीटिंग कि क्या निकल आता है, क्या निकल सकता है, और ये निकल गया। तो रियल लाइफ में आप कितना झूठ बोलती हैं?
मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम से कम झूठ बोला जाए उतना ही, तो इसलिए मैं कम बोलती हूँ। हाँ वो आप कि बोली ही कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड तो इस वेब सीरीज़ का कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छा कर रही है, जितनी भी वेब सीरीज़ आ रही है लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो ऑल्ट वाला जी के जरिए इस वेब सीरीज़ को कैसे देखते हैं आप, एंड कितनी उम्मीद है आपको इस वेब सीरीज़ से? उम्मीद तो काफ़ी है। एंड वेब सीरीज़ ओवरऑल इट्स नाइस, द क्वालिटी एंड सो फोर्थ ऑफ वेब सीरीज आर यूजुअली मोर ऑन द फिल्म लाइन एंड लाइन, सो इन दैट सेंस मुझे देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे क्योंकि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, इसलिए उचित है तो बस क्योंकि यहाँ पे कोई झूठ नहीं है आपको क्या पता हो सकता नहीं, वेब सीरीज की बात की ना, वेब सीरीज लोगों को पसंद भी आ रही है तो यहाँ पे तो कोई झूठ नहीं है इसलिए। ओके, तो ये जो आपने तंत्र मंत्र जो पहना हुआ है, मतलब गले में जो भी है, ये तंत्र मंत्र जो भी है आगे बोलिए, ये मतलब हमें इस स्क्रिप्ट का या इस वेब सीरीज का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, ये आपकी रियल लाइफ के लिए है? ओ, सीक्वल के लिए है। जी। तो क्या है जरा कोई बताना चाहेंगे? जी नहीं, वो भी राज की बात है, मतलब कुछ तो बताइए। वो भी राज की बात है, वो भी राज की बात है।